दोनों की जो भैया है भाई है ठाकुर और जो सिंगर है सिंधु ठाकुर वो जेल के अंदर खूनी शासन के अंदर अभी भी वो अन्याय सह रहे हैं। सिंधु ठाकुर को अगर माने तो उन्होंने केवल एक गाना गाया जो कि जाना जाता है गाने को, तो उसी गाने को गाने के लिए उनको 6 साल की सजा सुनाई। आप सोच सकते हैं अगर आप एक हम यहाँ पे एक स्वतंत्र मानवाधिकार जहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी है ऐसे जगह पे अगर आप ऐसे सोच भी नहीं सकते कि किसी को गाना गाने के लिए 6 साल की सजा सुनाई। और तो और जो अलहमो के भाई है अभी भी आर्बिट्री डिटेंशन में है कारावास में है और वजह साफ तौर पर नहीं बता रहे हैं कि केवल बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ इंडिया के जो रिश्तेदार है या कुछ जो खिलाड़ी थे उनको मैसेज भेजे। अगर ये जुर्म है तो आप मान सकते हैं कि तिब्बत के अंदर पेरेंट्स के साथ कैसा जुर्म होता है कितनी तरह की अन्याय सहनी पड़ती है। हमों को अगर देखा जाए जो 3 बच्चों की माँ है उन्हें कैद में इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा गया कि वे उन्होंने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। वो 3 बच्चों की माँ थी अभी भी वो बच्चे जो है बिन माँ के रह रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इस समय स्पेशली जीरो सोंग में जीरो गांव के लिए जमशेदपुर में कितनी बुरी स्थिति है कितनी गंभीर स्थिति है। इसीलिए हम यहाँ के पास एनजीओ की तो और से हमारी पूरी कोशिश है कि जो तिब्बत का जो स्थिति है उसको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाए दुनिया को पहुँचाए। और हमारी यही आवेदन है कि भारत सरकार से और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सरकार से कि तिब्बत के विषय को ले और तिब्बत के जो मानव अधिकार का हनन हो रहा है उसका विरोध करे और जो तिब्बतियों के साथ जो है हमारा समर्थन दे। जैसा कि आप जानते हो भारत में चीन का जो सीमा में घुसपैठ होता है वो न केवल भारत के लिए इनसिक्योरिटी या भारत के लिए जो खतरा पैदा नहीं करते वो बल्कि पूरे एशिया को नकार रहा है। इसीलिए भारत के निवासी होने के लिए और तो और समन हो बिलीव इन ह्यूमन राइट आई थिंक इट्स अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टैंड फॉर जस्टिस और पीपल का साथ दें। और कुछ ही समय में यहाँ पे हम स्टेट थिएटर शुरू करेंगे तो प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिए। ये COVID-19 जो है वो आप जानते हैं मौजूद गंभीर है और ये जो है चाइना से ही आया हुआ है वहाँ से तो इसी बारे में थोड़ा ध्यान में रखिए। और इसके बाद जो है एक फ्री सेशन होगा जहाँ पे यहाँ पे आप दिखाई किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है जिस तरीके से जो जब वे उनका जीवन जाने वाला है तब अस्पताल भेजा जाता है उसी को हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं। सिंधु ठाकुर जो कि एक गायक थे उनको भी कैद में डाला गया और 6 साल की सजा सुनाई गई। उन्होंने एक गाना गाया था काली टोपी जिसमें साफ तौर पे चीनी सरकार को उन्हें कहा था रिप्रेसिव पॉलिसी से जीरो जो में इसी के लिए उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई। तो जितने भी यहाँ पे आप दृश्य देख सकते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं तिब्बत में हजारों लाखों की संख्या में केवल हासन के जो एक नामी जेल है उसमें जीरो बोर से कम 600 से अधिक जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है वो जीरो जोन से है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जीरो जोन में अभी जो स्थिति है वो कितनी गंभीर है। ये दृश्य जो है आप थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन पे रखना चाहिए क्योंकि दिखने में काफी खतरनाक है पर ये स्थिति ऐसी है कि ये असल में हो रहा है तिब्बत के अंदर। ये हमारे जो तिब्बतियों के ऊपर जो हमारे तिब्बती भाई बहन है उनके वो झेल रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ ये दृश्य देखने के बाद वापस घर जाते समय आप अपने परिवार अपने दोस्त अपने सहेलियों को बताएं कि आपने आज क्या देखा क्या सीखा और तिब्बत का साथ दे तिब्बत के विषय के बारे में पढ़े तिब्बत के जो पॉलिटिकल स्टेटस है उनके बारे में और जानकारी ले। तिब्बत का जो इशू है वो ह्यूमैनिटेरियन इशू ही नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल इशू भी है खास तौर पे भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी का भी बात आता है। और तो और रिसेंटली जितने भी सीमा घुसपैठ हुआ है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन का जो शासन है जो खूनी दबंग है और
एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है वो न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व में फैलाने की साजिश रच रही है। इसीलिए निवेदन करते हूँ कि तिब्बत का साथ दे, मानव अधिकार का साथ दे और डेमोक्रेसी का साथ दे। धन्यवाद।